क्या सच है कि हिंदुस्तान में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो इसलिए सब जाते हैं वहां पे? इतना इतना ये डिफरेंस है। अच्छा, सच्ची बात जो हमको करनी चाहिए जी भाई। जी सही है, ऐसे ही है जी, पैसे ऐसे ही है। सर अगर हम यहाँ 13 एपिसोड करें ना तो वहाँ 2 एक एपिसोड। अरे माशाल्लाह, हम भी उसी एक एपिसोड का इंतजार कर रहे दूसरा क्या क्या उनके यहाँ ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है? क्या वहाँ इस तरह जेलसीज हैं जो यहाँ हैं? नहीं नहीं नहीं, वो खुश होते हैं एक दूसरे का काम देख के, तू ये कर रहा है, तुम ये कर रहे हो, अरे बड़ा मजा है। वो कहते हैं आप यहाँ से बिल्कुल रिलीफ रहे, आप सिर्फ काम पे ध्यान। क्या बात सर, कितने प्रोफेशनल। ये भी सुनने में आया कि आप दोनों का ध्यान फिर भी काम पे नहीं रहता था, आप दोनों हर एक से फ्लर्ट करते रहते थे, क्या ये दुरुस्त है? इसमें कोई भाई ऐसी आपको पता कैसे, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात? अब आप फंबल कर रहे हैं, जाहिर झूठ है ना? नहीं नहीं, झूठ है झूठ है। मैं तो यहाँ से यकीन दिलाता था भाभी को, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ घूम रहे, अगर मेरे पे शक है तो बताएं आप। नहीं, औरत ने तो शक करना ही होता है, जो औरत शक ना करे उस पे शक करो। अनिल भाई तो बीवी से करे, तुम्हें अक्लमंद शॉट चाहिए था या खूबसूरत? इसकी बीवी करिए, दोनों नहीं, आप ही ठीक हो। सर आपको तो बीवियों की कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर शोरों को हंसा देती? बीवी की हर बात हंसा देती। नहीं, क्या आपने मेरे अंदर कोई चेंज महसूस किया? नहीं, वो तो ये भी कह देती है ना कि अपना मैं कैसी लगती हूँ आपको, आपने कह दिया अच्छी लगती हो तब लड़ाई है, आपने कह दिया नहीं अच्छी लगती तब लड़ाई है, मैं पहले से मोटी हो गई हूँ, अब इस बात पे आपने फंस जाना है। और फिर दूसरा ये कि आप रेडी हो रहे हो तो आपके ऊपर शक है, कहाँ जा रहे हो, आप रेडी नहीं हो रहे तो आपको क्या गम है? किसका गम है? 2 साल बाद औरत के मुंह पे एक जुमला जरूर आता है, क्या तुम पहले जैसे नहीं रहे। बीवी से बदला लेने का बेहतरीन हल है, काम से घर जाओ, खाते सो जाओ। विकी साहब और शकील भाई, ये वाला एलिमेंट जो आप दोनों का है जिसकी वजह से आपको इतनी पूरी दुनिया में शोहरत मिली है, ये घर में भी इस्तेमाल होता है? नहीं, मैं तो नहीं करता क्योंकि कभी जॉब है। हाँ, अब यानी कि आप घर में एक बिल्कुल सीरियस आदमी, घर में तो ये रजनीकांत बन के। चिंता चौकी सुख सुख कर नुमान भाई घर में जो है ना, मेरा दोस्ती है मेरी बच्चों के साथ, बहुत अच्छी बात। अब मेरे बच्चों के अंदर वो ना डॉक्टर बन रहे, माशाल्लाह बेटा मेरा भी डॉक्टरी की तरफ जा रहा है, बेटी भी जा रही है माशाल्लाह, एक छोटी है। तो अजीब सा नहीं लगता कि आपके बच्चे लाइक हो जाए? अजीब नहीं लगता, अजीब नहीं, शर्मिंदगी होती है, बंदा अपने बच्चे से नहीं बात कर पा रहा। तो नसीम सर आपके बच्चे जुगतबाज हैं, कोई डॉक्टरी जुगत मारते हैं? तीनों के अंदर बड़ी अच्छी बेटा है, जो मेरी छोटी बेटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा वो तेज है। कोई ऐसी जुगत जो आपको याद हो? मेरा छोटा भाई ना, उसकी उसकी बीवी के साथ लड़ाई हो गई, तो वो ना इधर लाहौर आ गया, तो उसने आगे ना यहाँ पर एक शीजा भट आर्टिस्ट है, मिठू भट की वो बीवी है, उसके साथ टिकटॉक बना के ना तो अपने स्टेटस पे लगा दिया, और बार बार कह रहा है मेरी बीवी देखेगी ना सड़ेगी। तो नूर फातिमा मेरी बेटी आके कहती है तेरी बीवी देखे ना देखे चाचू, मिठू भट ने देख लेना। हमारे एक डाकिया भाई है जी, किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है वो सुनाए आके यहाँ, डाकिया डाकला है, और वो हमारे प्रोग्राम की वसादत से जहाँ पहुँचना चाहिए उस पैगाम को वहां तक पहुंचे और अपना असर करे। आपकी अगर इजाजत हो तो बहुत सारी तालियां बजाते हैं, कहते हैं आइए। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत एवं सरकार, माशाल्लाह। तो आज किसका पैगाम लेकर सरकार? आज जो चिट्ठी लिखी है वो बुढ़ापे ने लिखी है, बचपन के नाम। अरे वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह जी, बड़ी बड़ी नवाजिश सर। तो सरकार बुढ़ापा कहता है जी के हर दिन जिवे कोई मेला सी, वाह वाह बचपन का की वेला सी, ते जग सी सारा अपना लगता, चंगा बड़ा सी लुकना लगता, वाह वाह वाह, ते खुशी ना होना मिट्टी ओ मिट्टी, रज के खेडनी लुकन मिट्टी, आहा बहुत अच्छे, ते कोई नहीं कहंदा वेला सी बचपन दा की वेला सी, वाह वाह वाह, ते कागजी कश्ती बनाउंदे सी पा निकरा मीह विच नहाउंदे सी, ना सिर ते भार किताबां दा ना फिकर सी पैरी जराबां दी, ते की कुल्फी वाला ठेला सी, की कुल्फी वाला ठेला, बचपन दा की वेला सी, ते बेफिकरी वाले घंटे सी असी धुप च खेड़ दे बैंटे सी, उफ
मारे जुतियां कला कला की खेड़ सी यारो बांदर किला ते हर गली ना अपना सेला सी ते बचपन दा की वेला सी ते बर्फ जाम च जम सी जांदे पानी नाल सी वांजू सी वांदे ते डर डर खेडना यस्सू पंजू यस्सू नाले टपना विच स्टापू बस हासियां दा ही रेला सी बचपन दा की वेला सी की वेला सी ते कदी जित दे सी कदी हार दे सी असी रोंदी वी रज मार दे सी ते फुल्लां तो तितलियां चुन दे सी थां दे कहानियां सुन दे सी ना जेब च हुंदा तेला सी ते बचपन दा की वेला सी नहीं बचपन वापस आउणा जे बस बचया टाइम लंघाउणा जे भावे महंगी बड़ी जवानी है नहीं बचपन दा कोई सानी बस टाइम सी जो पहला सी वाह 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 बचपन दा पर एक छोटे छोटे से सवाल है शकील भाई आपसे मैं शुरू करता हूँ कोई एक आदत जो सियासतदान और कॉमेडियन में मुश्तरक होती है सारों से मैं अगर मुझे हंसता हूँ तो मैं टॉक शो देखता हूँ जो एक दूसरे वो भी आपको कॉमेडी लगती है कॉमेडी कर रहे हैं और क्या जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरे होने का इंतजार हो एक ख्वाहिश जो पूरी नहीं कर सका मैं बस उसके आज तक दुख है कि अपने माँ बाप को हज कराना था हज कराना था कॉमेडी के अलावा किसी और चीज का मुकाबला हो जिसमें आपको यकीन हो कि आप जीत जाएंगे सेहत के अलावा मैं बैडमिंटन खेलता था तो उसमें बहुत जीता है मैं बैडमिंटन का मैं चैंपियन रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी या टीम परफॉर्मेंस मुझे थिएटर बहुत पसंद है स्टेज लाइव जिसमें टीम होती है टीम होती है सर कोई एक खासियत इंसान में हो तो वो कॉमेडियन बन सकता है आपके ख्याल में हंसाने की हिस हंसाने की हिस और ढीठ हो आदमी अच्छा कभी कोई ऐसी जुगत पड़ी हो जिसका आपको जवाब ना आया हो और आप खुद हंस हंस के लोटपोट हो गए हो बहुत सारे आज वो करते थे लियाकत भाई अब वो उसके उसके बातें मछली खा ले मछली मैंने कहा मैं नहीं खा रहा कांटे चुपते चप्पल बनकर खा ले चप्पल बनकर कोई ऐसी खूबी सर जो आपके ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानियों में पाई जाती हो इनको कहीं भी खड़ा कर कॉमेडी करने के लिए जुगाड़ जुगाड़ भी कर ये सही जुगाड़ सब सही है सर मैं इन साथियों के नाम लूंगा कोई मशवरा इनको देना चाहे इफ्तिखार ठाकुर नाक छोटी करवा ले यार जाकिर मस्ताना नाक सीधी करवा ले दोनों के नाक को मसले अमानत चंद साहब क्रीम खाया करें सुहेल अहमद साहब आवाज जरा सा सही कर ले रात को करण के फोन ए शकील क्या तू क्या तू सलीम अलबेला साहब खाया पिया कर जान बने आगा माजिद साहब कम करे अपने आप को सखावत नाज साहब वो क्या मशवरा दूं यार पीड़ छोड़ दे यार तू तेरी मेर तेरी मेहरबानी बहुत सारी तालियां जी ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਤ ਕੱਢਣੀ ਓਕੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਤ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨੇ ਆਪ ਕਾਮੇਡੀ ਮੇ ਆਨੇ ਕਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੋ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ सर अगर खाने और सोने का मुकाबला हो तो आपके ख्याल में आप किस में जीतेंगे मैं सोने में ज्यादा जीतूंगा बहुत सोते हैं ये तो शिकायत हमें बड़ी दूर दूर से आई है मेरी दो ही आते हैं या मैं सोता नहीं या मैं उठता नहीं सियासत ज्वाइन करनी पड़े तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगे डांस पार्टी डांस पार्टी अकरम उदास साहब को कोई जुगत मारे वो तो वाल वाल करते जी अच्छा कैसे पिया साहब उसके साथ एक और साहब लगा दें अच्छा ठीक है साहब बनने का बहुत शौक है सखावत नाज साहब सखावत नाज उन वाला ने बड़े रंग लाए ने रंग दा ही काम करदा सी नासिर चनियोटी साहब सोना मुंडा हुंदा यार ये तूने आखिर कर दी है काश कि तू सोना मुंडा हुंदा जफरी खान साहब जफरी खान एक मच्छर टाइप आदमी जेड़ा कि टिके नहीं जाता आगा माजिद साहब प्लास्टिक दी मज हुंदी हां बस इफ्तिखार ठाकुर साहब इफ्तिखार ठाकुर लोहे दी चिड़ी हुंदी वाह बहुत सही तालियां मेरे मेहमानों के लिए we are really honored जी थैंक यू वेरी मच सर हमारा ऑनर अल्लाह पाक का शो अलग है थोड़ा सा मुनफरिद है सब शो से इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी तो यहाँ पे इंटरव्यू भी नजर आया बाकी में तो शो में तो हाड़ा हुड़ी होती है एक दूसरे पे बस कुछ कर जाए हम जीत जाए अच्छा कि आपने शो खत्म कर दिया वरना उनकी जैकेट उतरनी शुरू हो गई